मैं ये पंचायत चुनाव से कोई बहुत बड़ा असर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में नहीं पड़ेगा, न तो पंचायत चुनाव हारने जीतने से गहलोत हटेगा और न कोई वसुंधरा वापस आने वाले इन पंचायत चुनाव से। बिहार के अंदर आपने चुनाव देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों को वेंटिलेटर पर जाना पड़ गया था। एक बार ऊपरी के साथ ही चलते थे लास्ट तक। अशोक गहलोत के रोज टेलीविजन पर देख लो, दो तीन चैनल तो उसकी जेब में ही रखे हुए, उसकी वाणी अशोक जी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री जादूगर। तो जादूगर होता तो इसका बेटा कैसे हारता था, जादू करते था वहां पर उसकी जादूगरी मैंने खत्म कर दी और उसको सपेरा बना दिया और सपेरे की नागिन आपको ध्यान है वसुंधरा जी है क्या। वसुंधरा का देखो किस्सा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वसुंधरा का बंगला खाली करो, अशोक गहलोत ने कहा नहीं करूंगा, नया कानून लेके आ गया विधानसभा के अंदर। पता नहीं इतना क्या लगा हुआ वसुंधरा से कि मेरे घर के सामने ही रहनी चाहिए वसुंधरा। एक गाना भी चलता ना फिल्म में मेरे सामने वाली खिड़की में, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि वसुंधरा से ऐसा क्या लगा। वसुंधरा तो दूसरे दल की है, लेकिन लगाव का पता जब लगा जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो 20 विधायक वसुंधरा ने अशोक गहलोत को देके उसकी सरकार बचाई। ये लगाव है दोनों का, आपने देखा मिला जुली करके। जिसपे भी एहसान करो वही मकार निकलता राजनीति के अंदर। इसलिए नए नेता पैदा करने से पहले 1000 बार सोचता हूँ और उसके बाद ही उनको चुनाव मैदान के अंदर उतारता हूँ। इस देश के अंदर मंत्री पदों को अगर ठोकर मारने वाला कोई होगा तो हनुमान बेनीवाल है। मैं ये पंचायत चुनाव से कोई बहुत बड़ा असर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में नहीं पड़ेगा, न तो पंचायत चुनाव हारने जीतने से गहलोत हटेगा और न कोई वसुंधरा वापस आने वाले इन पंचायत चुनाव से अगर फर्क पड़ेगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर जीती तो दिल्ली तक संदेश जाएगा कि राजस्थान में टू फूट ताकत खड़ी हो गई है। बाड़मेर के उस अंतिम छोर पे सीमावर्ती इलाका जो जो पाकिस्तान और भारत की सीमा के नजदीक है, हमेशा संघर्ष इन लोगों ने किया। अकाल, अंग्रेजों का राज, जागीरदारों का राज और नेताओं ने हमेशा धोखा इस प्रदेश को दिया कि पंचायत राज से हम जमीन तैयार कर रहे हैं और तेवीज की तैयारी अभी से हमने शुरू कर दी है। जो मिशन 18 पूरा नहीं हुआ वो मिशन 23 पूरा होगा। बिहार के अंदर आपने चुनाव देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों को वेंटिलेटर पर जाना पड़ गया था। एक बार ऊपर नीचे साथी चलते थे लास्ट तक। तीसरी ताकत बिहार के अंदर मजबूती से लड़ी। भाइयों थोड़ी हिम्मत रखना, मेरी हिम्मत में कहीं कमी नजर नहीं आएगी कि अकल व्यक्ति राजस्थान के किसान के मान और सम्मान की लड़ाई इस प्रदेश के अंदर लड़ रहा है। भाई ये प्रदेश में ही नहीं, इस देश के अंदर मंत्री पदों को अगर ठोकर मारने वाला कोई होगा तो हनुमान बेनीवाल है। जिससे एनडीए के अंदर रहते भी ये कहा कि किसानों के बिल वापस लो नहीं तो हनुमान के रास्ते अलग होंगे, वो सरकार के खिलाफ सड़क पे दिखाई देगा और दिल्ली का घेराव करेगा। जब भी आपको आवश्यकता पड़ी मंत्री पदों को ठोकर मारी, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो नेताओं की चम्मच प्लेट और जूते उठाए। इसलिए मैंने नई पार्टी बनाई और ये पहला किसान का बेटा है जिसकी पार्टी राजस्थान के अंदर मान्यता प्राप्त दल चिन्ह भी परमानेंट हुआ। और पहली बार 1995 से जब टिकट बांट के मंडल और जिला परिषदों की शुरुआत हुई थी, पहले वार्ड पंच और सरपंच प्रधान प्रमुख का चुनाव करवाते थे, लेकिन मंडलों की जिला परिषदों की शुरुआत 1995 में हुई और 25 साल में कोई चुनाव नहीं लड़ा पाया राजस्थान के अंदर अपना दल बना के। निर्दलीय जरूर लड़ते थे, पहला किसान का बेटा हूं कि आपके आशीर्वाद से, वीर तेरेज महाराज के आशीर्वाद से पार्टी पूरे राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ रही है। अशोक गहलोत के रोज टेलीविजन पर देख लो, दो तीन चैनल तो उसकी जेब में ही रखे हुए, उसकी वाणी अशोक जी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री जादूगर। तो जादूगर होता तो इसका बेटा कैसे हारता था, जादू करते था वहां पर उसकी जादूगरी मैंने खत्म कर दी और उसको सपेरा बना दिया और सपेरे की नागिन आपको ध्यान है वसुंधरा जी है क्या।
राफेल जी और वसुंधरा का देखो किस्सा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वसुंधरा का बंगला खाली कराओ, अशोक गहलोत ने कहा नहीं कराऊंगा, नया कानून लेके आ गया विधानसभा के अंदर। पता नहीं इतना क्या लगा हुआ वसुंधरा से कि मेरे घर के सामने ही रहनी चाहिए वसुंधरा। एक गाना भी चलता है फिल्म में मेरे सामने वाली खिड़की में है, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि वसुंधरा से ऐसा क्या लगा। वसुंधरा तो दूसरे दल की है, लेकिन लगाव का पता जब लगा जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो 20 विधायक वसुंधरा ने अशोक गहलोत को देके उसकी सरकार बचाई। ये लगाव है दोनों का, आपने देखा मिला जुली तक। जिसपे भी एहसान करो वही मकार निकलता राजनीति के अंदर। इसलिए नए नेता पैदा करने से पहले 1000 बार सोचता हूँ और उसके बाद ही उनको चुनाव मैदान के अंदर उतारता हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि तेवीस के अंदर, बाड़मेर के अंदर जो नौजवानों के अंदर जोश है, 36 कौम के लोग जिस तरह आशीर्वाद दे रहे हैं, बाड़मेर की सारी सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में जाएगी। ये नौजवान जो खड़े, इनकी ताकत और ऊर्जा जो इनके अंदर है, 3 साल के अंदर कितने नए वोट जुड़ जाएंगे राजस्थान के अंदर आप अंदाज लगा लो। पिछली बार तो भाइयों मैंने चिंता करी थी, मेरे समाज की भी चिंता करी, किसान की भी करी, और बदमाशों को हराने के लिए कई जगह मैंने उम्मीदवार नहीं लड़ाए। लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल आपकी चिंता करेगा और आरएलपी 200 सीटों पर लड़ेगी और जबरदस्त तरीके से राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की लहर ये गठबंधन और किसान बिल्कुल चलाएगा। आरएलपी पहली पार्टी है जिसका प्रदेश अध्यक्ष मेघवाल समाज से आते हैं, दलित है, सबसे ज्यादा दलित इस प्रदेश की टीम के अंदर। उदाराम जी के साथ साथ 1 दर्जन तो मुख्य टीम के अंदर है और सैकड़ों प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर, और सबसे ज्यादा दलितों का अगर चुनाव लड़ा रहे तो आप प्रतिशत उठा के देख ले कि भाजपा कांग्रेस से ज्यादा आरएलपी पीड़ित दलित और शोषित तबके को राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ा रही। भाइयों पंचायत चुनाव के अंदर मुझे लोगों ने कहा था कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, मैंने कहा मैं तो अकेला ही करूंगा, मेरे साथ और कौन होगा, मैं तो अकेला व्यक्ति हूं जिसने मंत्री पदों को ठोकर मारी, त्याग समर्पण किया और मान सम्मान आपका बढ़ाया। अभी जब सरकार अशोक गहलोत की गिर रही थी दिल्ली के अंदर हम बैठे थे, भाइयों इतनी बड़ी बात आप लोगों के लिए मैंने करी, समाज का नाम रोशन किया, प्रधानमंत्री और अन्य लोग बैठे थे, तो जो बात मैंने कही वो मैं अभी यहाँ आपको नहीं कह सकता। उन्होंने कहा हमने तो गजब का आदमी देखा, मैंने कहा मेरे तीनों विधायक अशोक गहलोत के खिलाफ उसकी सरकार गिराने के प्रोटेस्ट में खिलाफ वोट डालेंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए भारतीय जनता। हम कोई अगर चाणा ही हमें होता तो बना देते पुखरा जी को, 2 जने को मंत्री, गहलोत तो तैयार था कि आ जाओ मिनिस्टर बन जाओ, 2 जने पहले मुझे बनाना था। अभी दिल्ली वाले कह रहे थे कि आरएलपी का विलय कर लो मिनिस्टर बन जाओ, मैंने कहा विलय करने के लिए पार्टी थोड़ी बनाई है, मैं तो दूसरी पार्टियों का विलय कराऊंगा आरएलपी में धीरे धीरे। भाइयों हिम्मत रखना, घोषणा रखना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अकेले मारवाड़ के अंदर नागौर जोधपुर पाली बाड़मेर जैसलमेर का जो अपना सिरोही का इलाका है, इन जिलों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 70% सीटें तमाम साथियों को साथ लेके 2023 में जीतेगी। और सेकावाटी अंचल बीकानेर हनुमानगढ़ गंगानगर अजमेर से लेकर चित्तौड़ उदयपुर और जयपुर से लेकर अलवर तक के इलाके के अंदर जिस तरह नौजवान खड़े हैं, जिस तरह दूसरे किसान के बेटे खड़े, वो दिन दूर नहीं जब 23 के अंदर सत्ता के सिंहासन पर किसानों का कब्जा होगा और जितनी भी व्यवस्था है उसको परिवर्तित कर देंगे। कोविड की समाप्ति के बाद कैसे वैक्सीन आ जाएगा, बड़ा आंदोलन राजस्थान की धरती से करेंगे। हम कोई कमजोर नहीं पड़े, सरकार गलत में तो निकाल दे, अशोक जी तो बंद कमरे के अंदर शील्ड पैकिंग करके बोलते हैं, लेकिन हम सड़कों पर बोलते हैं। भाइयों दीपावली से पहले दिन आपने देखा होगा कि लोग किस तरह धनतेरस की धन की पूजा कर रहे थे, और आपका हनुमान बेनीवाल इन भाइयों के साथ मिलकर जोधपुर कमिश्नरेट में किसान के 2 बेटों को न्याय दिलाने के लिए कमिश्नरेट का घेराव कर रहा था और पैदल मार्च कर रहा था। मैंने कभी मेरे बारे में चिंता नहीं करी कि मेरी जिंदगी क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 15-15 दिन तक बच्चे लेट जाता हूँ सो जाते हैं और सुबह उठ के जाता हूँ वो सोए रहते हैं, पापा कब आओगे फोन पे ही बात करते हैं,
अगर मुझे मेरी चिंता करनी होती तो प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मंत्रालय चाहूँ वो 24 घंटे के अंदर वो मंत्रालय मेरे सामने पड़ा तैयार है। आज हनुमान जी आप हमारे साथ आ जाओ। एक मेरी आदत और है, बाड़मेर वाले मंत्री जी खुश हो रहे होंगे, हरीश जी हनुमान तो भूल गया बात को, बात तो शुरू होगी। इनको कोरोना आ गया था, कोरोना में मुझे आपकी भी चिंता थी। देखो उधार में किसी के बाप का भी नहीं रखता चाहिए, कोई भी हो उधार तो पूरा जो एक रुपया डालेगा उसके 1.25 रुपये डालूंगा। राजनीतिक रूप से कमजोर आप खुद करोगे उनको, और मुझे भी किसी ने बताया कि पथराव करने वाले 2-3 लड़के जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, इतनी बड़ी बात है, उनको टिकट दे दिया। ये इसलिए इनाम दिया होगा कि आपने हनुमान जी की गाड़ी में पत्थर फेंके, आप जिला परिषद का टिकट ले लो। भाइयों उनका टिकट खाली लौटा देना, बुरी तरीके से हटा के उनको वहां से भेजना है। तो आप ध्यान रखना, आप इतना ध्यान रख लो, बाकी ध्यान मुझे सही समय पे सही चोट हो जाएगी। और दोबारा पत्थर तो छोड़ो, पत्थर के सामने देख तो भी उनको डर लगेगा कि ये पत्थर आ गया, ये स्थिति में करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अब हमारा तो योग सहयोग ऐसा है जिसकी भी मदद करो सामने आ जाता है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आजादी के आंदोलन के अंदर जब भगत सिंह जेल में थे तो लोगों ने पूछा कि आप जेल क्यों चले गए, आपको फांसी हो जाएगी। उन्होंने कहा मुझे फांसी हो जाएगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत माता गुलामी की बेड़ों से आजाद हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल भगत सिंह की भूमिका के अंदर है। भाइयों हिम्मत रखना, ऐसा लड़ाका 100 साल के अंदर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जो 2-3-4 नंबर की बात नहीं करता वो कहता है कि नंबर एक, और यह मेरा भाई नंबर एक पे, उस सिंहासन पे मैं मेरे भाई को बिठा दूंगा, किसी दूसरे किसान को बिठा दूंगा, लेकिन नंबर 2 और 3 पे मैं समझौता नहीं करूंगा। यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि धरती से जोरदार सहयोग करना। सब लोग छोटे जो हमारे छोटे भाई है, सोशल मीडिया पे एक दूसरे के लिए अपील करो, तमाम पंचायत समिति वार्डों में, जिला परिषद के वार्डों में एक तरफा मतदान आपको करना है। मतदान का प्रतिशत नौजवान बढ़ाता है, और नौजवान RLP के साथ है। बाड़मेर के अंदर RLP का प्रथम लहराना चाहिए, बाड़मेर के अंदर प्रथम लहराएगा तो मैं आपको बता दूं कि बीकानेर भी कमजोर नहीं रहेगा, हनुमानगढ़ के अंदर भी सीटें आएगी, सीकर दुनिया में भी आएगी, टॉप में भी आएगी, अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़ के अंदर भी RLP का परचम लहराएगा, और नागौर के अंदर भी जबरदस्त तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे आएगी। भाई और जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद हराम हो जाएगी। और इन नेताओं को अगर गली गली घूमना सिखाया तो आपके भाई ने सिखाया, नहीं तो नेता एक एक साल अपने इलाके में नहीं आते थे क्या पहले? ये जनता की जो पूछ भी कराई है ना, ये मैंने ही कराई है लड़के संगत करके। अगर मैं भी इन चोरों के साथ शामिल हो जाता तो आपको संभालने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए मैं इनके सामने मोर्चा खोल के बैठा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस भूत और भूतनी को मोर्चा के अंदर बंद करके और उम्मीदवार है जिला परिषद के भाई महेंद्र सिंह चौधरी, महेंद्र को भारी वोटों से चुनाव जीताना। आपको जब बोतल पर वोट देने जाओ तो एक ही चीज देखनी है कि बोतल का चिन्ह महेंद्र के साथ साथ हनुमान बेनीवाल भी इसके अंदर, इसको देख के आपको वोट देना है। जितने ज्यादा वोटों से जीतेगा उतना मेरा मान और सम्मान बढ़ेगा। दूसरे यह कैंडिडेट हमारे ST वार्ड है, आशू देवी भाई पर सोनाराम भील ठाडी 9 नंबर, इनकी मदद इनको डालना है। हमारी तारा भाई पर सुनीलाल कोकड़ा खड़ी, ये भी जवान मेरे जितना ही लंबा है, ये नौजवान अगर पंचायत समिति और जिला परिषद के अंदर जाएंगे, बाकी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुर्सियां उठा के बाहर फेंक देंगे ऐसा लग रहा है, और इनके पीछे मैं खड़ा हूँ। आप चिंता मत करो, बाड़मेर के तमाम मुद्दे लोकसभा के अंदर मैं हमेशा उठाता हूँ, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। भाई टिड्डी बाड़मेर के अंदर आई, नागौर में आई, गुजरात पंजाब के अंदर आई, और प्रधानमंत्री से मैंने यह करवा दिया कि टिड्डी प्रभावित इलाकों का जितना भी नुकसान हुआ है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा से उनको पैसा दिया जाएगा। ये काम चल रहा है, और अगर मुआवजा नहीं मिले मुझे बता देना, तमाम किसानों को
ज्यादा किसी ने नुकसान किया, इसको प्राकृतिक आपदा और राष्ट्रीय आपदा में लेके तमाम किसानों को इसका मुआवजा भी मिलेगा।